तो गाइस अगर आप एक यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आप एक ब्लॉगर हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हो तो फिर भी इस वीडियो को देख लेना। अगर आप अदर कैटेगरी के भी हो तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर 10 से 12 दिन पहले या अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक टाइटल रैंक कर रहा है, उसका नाम है माई फर्स्ट ब्लॉग और दूसरा टाइटल है दोस्तों पॉपअप हो गया। अब आप ऐसे बोलोगे भाई तूने मुझे डाला है माई फर्स्ट ब्लॉग, आपके व्यूज क्यों नहीं आए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे व्यूज क्यों नहीं आए। तो लाइव मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे YouTube को ओपन कर लेता हूँ। YouTube को ओपन करने के बाद में आप देखते हैं मेरा ये फ्रेश चैनल है, तो आपको भी एक बिल्कुल फ्रेश चैनल बनाना होगा। फ्रेश चैनल बनाने के बाद में आपको थोड़ा हाई क्वालिटी का यहाँ पे ब्लॉग्स अपलोड करना होगा और यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ दिखानी होगी अपने ब्लॉग्स में। और उसके बाद में आपको अगर आप न्यू चैनल नहीं बनाते और ओल्ड चैनल पर आप वीडियो डालते हो तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होने वाली। तो मैंने भी ये गलती की थी कि मेरा बहुत ही ज़्यादा पुराना चैनल था उस पर मैंने वीडियो डाल दी, इसलिए मेरी वीडियो भी वायरल नहीं हुई। अगर आप न्यू चैनल बना के अगर आप भी वीडियो डालेंगे माई फर्स्ट ब्लॉग टाइटल लगाएंगे, टाइटल या डिस्क्रिप्शन में लगाना और टेक्स्ट में लगाना, तीनों जगह लगाना है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी वीडियोस पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप लगाएंगे और आपको भी सेकंड में टाइटल लगाना है दोस्तों पॉपअप हो गया। तो आप टैग में पॉपअप लगा सकते हो, टाइटल में लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हो। तो आप ये दो टैग की मदद से अपने वीडियोज़ को वायरल कर सकते हो। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे का बटन दबा लेना। मैं मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।